गाइस वेलकम टू नीनू इनू व्लॉग्स। तो आज हम इतने दिनों के बाद बना रहे व्लॉग, देखो कितने दिन हो गए। तो आज मेरे मम्मा के पैर में दर्द थी तो खाना बनाने से ना, तो आज हम जाएंगे बाहर खाना खाने। तो मैं आपको एक बार अपना लुक दिखाती हूँ। ये मेरा लुक है, ये मैंने जींस और टॉप पहनी थी, इसके ऊपर ये मैंने जैकेट पहनी है। कैसा लगा मेरा लुक? अभी चल कर थोड़ा सा हेयर स्टाइल करते हैं, फिर हम रेडी। चलो सो गाइस, देखो इनायत को देखो, फुल मेकअप में लगी हुई है लड़की। खाना खाने जा रही, इतना जरूरी नहीं है करना। ओके दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था शायद कि मैंने ज्वाइन किया है एक जगह में, जॉब लग गई हूँ। तो मतलब पता नहीं मुझे क्या हो गया, मेरा स्ट्रेंथ चला गया बिल्कुल। और अभी मेरे पैरों में ना इतना इतना अनकंट्रोलेबल पेन हो रहा है, मतलब मेरे को डर के मैं उठ के चल नहीं पाऊंगी। पता नहीं क्यों हो रहा है मुझे इतना पेन, समझ नहीं आ रहा। तो मैं पेन किलर लेने का सोच रही हूँ आज। तो इसी दर्द की वजह से मैंने सोचा कि आज मैं बाहर डिनर करने जाती हूँ। वैसे मैंने ना सुबह से एक पनीर का सैंडविच ही खाया है, सच बता रही हूँ। और मुझे इतनी भूख लगी है ना, मेरे को मतलब मिक्स वेज खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है। तो अभी हमने सोचा कि चलो कुछ बाहर जा रहे हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा आपको एक ब्लॉग दिखा देते हैं। और मैं एक ब्लॉग और डालूंगी कुछ दिन के बाद, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, तो वो भी आप लोग ज़रूर देखना। और अभी आप बने रहना हमारे चैनल पर। और आज मेरे पापा आए थे, है ना इनू? और मैं आपको बताती हूँ कि मेरी मम्मी ने ना मेरे लिए घर का अचार, मतलब मेरे और इनू के लिए नींबू का अचार, घर का खुद का बनाया हुआ भेजा है। तो जब मैं स्कूल जाती थी ना, तो बचपन में मेरी मम्मी है ना वो मीठा नींबू का अचार बनाती थी, और मैं पराठे के साथ वो अचार लेके जाती थी। तो उससे मेरे बचपन की मेमोरीज जुड़ी है, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, उस अचार की खुशबू भी और वो अचार भी। तो कल से मैं वही अचार खाने वाली हूँ, है ना इनू? इनू से हर बात पे, है ना इनू? मेरे पास इनू ही तो है बस। सो दोस्तों, बने रहना मेरे चैनल पे। और मेरे वॉइस थोड़ी सी लो लग रही है क्योंकि मेरा स्टेमिना लो है, मैं थकी हुई हूँ। खाना खा के एनर्जी आएगी ना। थोड़ा लिपस्टिक लगा लेती हूँ इनू की तरह, मैं तो मेकअप करने नहीं वाली, थोड़ा लिपस्टिक लगा लेती हूँ। चेहरा भी कितना डल हो गया, मेरा वेट भी लूज हो गया। तो गाइस मैं इतनी थकी हुई हूँ कि मैं एक लिपस्टिक तक खुद नहीं लगा सकती। थैंक यू इनायत, लिपस्टिक गिर जाए तोड़ मत दियो मेरी इतनी कॉस्टली लिपस्टिक। 10 रुपए के तो है जय, 300 की है। 10 रुपए की 300 की कहाँ मम्मा, ठीक लगा दिए ना इसने, देखा एक लिपस्टिक से लुक बदल जाता है। तो अब चलो चलते हैं डिनर के लिए। इनायत का लुक तो देखो डिनर के लिए, ओहो बूट शूट, वाह वाह यार, मैं तो अपने बचपन में ऐसे कभी रेडी नहीं हो पाती थी। ये देखना ये कहाँ से ऐसे सीखी, तो खैर मेरे से ही है। स्मार्ट लुक की वो है, मेरे को नॉलेज नॉलेज है। दिखाना फेस, दिखाना, ये देखो मेकअप इसने खुद किया, ये मेकअप। और ये सारा बच्चों वाला है ना। लुकिंग सो प्रिटी इनायत, ओ माय गॉड। देखो मम्मा कैसे चल रही है गाइस, पता नहीं मेरे पैरों में क्या हो गया, कुछ अजीब ही पेन है, ये नॉर्मल ही नहीं है, ऐसा तो पेन होता ही नहीं कभी भी मुझे। दांत दांत चमक रहे हैं। सो गाइस, घूम फिर के फिर से हम आ गए हैं उसी पुराने ग्रेस होटल में। चलो इनू ध्यान से चलो, इसमें फर्स्ट टाइम ना मेरे पापा की रिटायरमेंट हुई थी, रिटायरमेंट की पार्टी हुई थी, तब से हम ग्रेस में आ रहे हैं, 4 साल से ज्यादा हो गए। चलो मेरे पापा की रिटायरमेंट का, दोस्तों मेरे आधे से ज्यादा व्लॉग तो है ना ग्रेस होटल में बने हैं। मिक्स वेज ऑर्डर कर दो और पनीर का कोई रेसिपी। इनायत आपको क्या खाना है, क्या खाना है? हाँ का नूडल, पनीर का कुछ भी देख लो। वैसे पनीर हम डेली खा रहे हैं, स्किप भी कर सकते हैं, है ना? ग्रेस का इंटीरियर देख लो दोस्तों,
इनका पार्टी हॉल नीचे है, कभी नायत के बर्थडे की पार्टी करूँगी यहाँ अगर हम यहाँ रहे तो सिटी में। ग्रेस आकर इन्हू हक्का ना मंगाई तो हो ही नहीं सकता। तो अभी हम करते हैं हक्का नूडल एंजॉय, उसके बाद हम डिनर करेंगे। आर यू हंग्री? हाँ आज आप इतने यंग कैसे लग रहे हो? ये बोलो इनायत, जल्दी जल्दी लो, मम्मा को भी भूख लग रही है, ऐसे लग रहा है सारा मैं ही खा जू छीन के से। मस्त गाने चल रहे हैं, चलो दोस्तों अब खाते हैं, बाद में ब्लॉग बनाएंगे। सो गाइस सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी हरी चटनी, कि मुझे इसके बिना मजा नहीं आता है। देना थोड़ा रेड सॉस आपको चाहिए ना, ये मुझे इतना पसंद नहीं है, थोड़ा सा डाल लेते हैं। और अब लेते हैं इसका मजा। यहाँ की ग्रीन चटनी ना बहुत अच्छी है। सो दोस्तों ये है पनीर लबाबदार, यहाँ का स्पेशल, किसी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, हाउ स्वीट। और ये मेरे फेवरेट है सिरका वाले प्याज। चलो फटाफट खाना खाते हैं, ये इतना ब्लर क्यों हो रहा है? तो दोस्तों पेट पूजा हो गया, थोड़ी जान आई है ना, चले चलो। वाओ शहनाज की ऐड आई हुई है, जो कि सुंदर झूमर है। सो दोस्तों यही था मेरा आज का छोटा सा डिनर ब्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और मैं सिर्फ ग्रेस होटल से ही एंड कर रही हूँ, आधा ब्लॉग को एंड करवा दूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तब तक के लिए बाय 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 दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।